हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू हो चुकी है जैसा कि हमने देखा, बट इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात हुई कि पहले राउंड में जो है हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आया। और यूजुअली वर्ल्ड चैम्पियनशिप के शुरू के मैचेस में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, प्लेयर एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, बट गुकेश ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया पहले मैच में और बहुत सॉलिड चेस के लिए डिंग ने। देखते हैं यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई। हम लोग इस गेम को देखने वाले हैं और साथ ही साथ आगे के गेम्स भी हम लोग जो है लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को इसका जो है एनालिसिस दिया जाए। सो शुरुआत हुई यहाँ पे फ्रेंच डिफेंस से शुरुआत की है इन्होंने। D5, Nc3 क्लासिकल वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, और Nf6, E5, Nd7, देन F4। सो क्लासिकल वेरिएशन शुरू है यहाँ पर C5। सो पहला सरप्राइज यहाँ पर जो है गुकेश ने दिया है लिंक को, और Ne2 वेरिएशन खेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विश्वनाथन आनंद का भी कुछ हाथ दिख रहा है इनकी प्रिपरेशन में, क्योंकि इस लाइन को उन्होंने काफ़ी खेला है और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है अचीव किए हैं। Nc6, देन C3, A5, Nf3, और यहाँ पर जो है काफ़ी देर जो है सोचा लिंक ने यहाँ पर, और खेला यहाँ पर A4। सो ये आइडिया कुछ नाइजील शॉर्ट ने अपने गेम्स में यूज़ किया है, A5 A4, और अपोनेंट का जो है वेट करते हैं यहाँ पर। इसमें एक गेम मैंने खेला था काफ़ी समय पहले एंड मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसमें अचीव किया था, जब मेरे अपोनेंट ने A5 खेला था, देन आफ्टर Nf3 A4 खेला उन्होंने भी, तो मैंने यहाँ पर F5 करके पॉन को सेक्रीफाइस किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने खेला था Nf4 और मुझे काफ़ी अच्छी पोजीशन मिली थी और ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन थी एक IEM के अगेंस्ट, बट मैं उसे जीत नहीं पाया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है, देखते हैं कि आगे क्या होता है इनके गेम में। A4 के बाद जो है इन्होंने खेला Bb3, सारे सॉलिड मूव हैं दोनों ही तरफ से। G4 ये पहला सरप्राइज किया है इन्होंने और ये नॉवल्टी है। नॉवल्टी का मीनिंग है कि इस पोजीशन में ये मूव अभी तक खेली नहीं गई है G4। आइडिया इसका बहुत ही सिंपल सा है कि फ्यूचर में ये F5 करने वाले हैं उसे सपोर्ट करेगा, बट मुझे ये मूव थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की लगी, इन्हें वेट करना चाहिए था। मूव जो बुक में दी गई है वो है Ng3। आइडिया बहुत ही सिंपल सा है कि F5 करने वाले हैं और बिशप को रिलीज करके D3 पर लाके H7 पर अटैक करने की तैयारी की जा सकती है। फ्यूचर में नाइट H5 पे जंप करके G7 पे भी अटैक कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, सॉलिड था, और बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है इसे ट्राई किया है। सो G4 के बाद हम देखते हैं कि अब गेम कैसे शुरू हुआ। सो A5 इन्होंने खेला है, थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं किंग पर, पिन किया हुआ है पॉन को। C×D4 जब खेलेंगे तो फोर्स करेंगे कि आपको किसी एक नाइट से इसे कैप्चर करना पड़े। सो Bg2 डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। वाइट को जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये H5 करके भी इस पॉन को फोर्स कर सकते हैं कि G5 आ जाए, जिससे कि F5 का स्क्वायर जो है इन्हें मिल जाएगा। व्हाइट का अटैक जो है किंग साइड का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि Bg2 खेला ही इसलिए गया है कि जब भी H5 खेले तो व्हाइट जो है H3 यहाँ पर खेल सकता है। सो A3 B3 सभी मूव सॉलिड हैं यहाँ पर। ब्लैक क्वीन साइड में प्रेशर डाल रहा है, व्हाइट किंग साइड में प्रेशर डालेगा। C×D4 यहाँ पर पहली एक गुड मूव इन्होंने खेली है, दैट इज अ B4। इस क्वीन को फोर्स किया कि पीछे जाए, और साथ ही साथ बाद में जो है जब नाइट से D4 पर मारा जाएगा तो C3 पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। देन क्वीन C7, Nd4, ये पोजीशन स्लाइट एडवांटेज है वाइट को। छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि C3 पे एक वीकनेस हो सकती है, क्योंकि ये बैकवर्ड पॉन है और ब्लैक के पीसेज जो है इस सी फाइल पर आने वाले हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। बट ये D4 वाला नाइट जो है F5 को बढ़िया सपोर्ट करेगा, बट साथ ही साथ हमें ये देखना है कि E5 हमारा वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तभी हम F5 का मूव चल पाएंगे। सो Nb6, देखिए C4 के लिए आ गए यहाँ पर, ये कैसल किया, देन Nc4, देन Bf2। मे बी Bc1 भी खेल सकते थे, बट Bf2 ऑप्ट किया इन्होंने। Bd7 डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। सो Qe2 E5 को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जो है F5 किया जा सके। सो Nd4 पोजिशन लगभग लगभग इक्वल है यहाँ पर, क्योंकि C4 का नाइट और C3 की वीकनेस
की वजह से वाइट का जो किंग साइड में प्रेशर है उसको जो है होल्ड कर सकता है ब्लैक, और ये A3 वाला पॉन भी फ्यूचर में कभी ना कभी इन्हें दिक्कत देगा, क्योंकि अगर A2 वाला पॉन मरा तो ये सीधे सीधे क्वीन का थ्रेड देने वाला है। तो नाइट B2 C3 को मारने की तैयारी है, क्वीन E3 डिफेंड किया। यहाँ पे कुछ चालें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थोड़ी जल्दी करी हैं, Rook C8। और यहाँ पे जो सबसे नेचुरल मूव थी, कोई भी प्लेयर होगा तो यही खेलेगा कि रुक को C1 पे लाया जाए और इस पॉन को डिफेंड कर लिया जाए, बट ये मूव मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। इवन मुझे लग रहा है कि हम F C1 खेल सकते थे, बट उसमें भी प्रॉब्लम थी कि हमें ये रुक किंग साइड में चाहिए और ये क्वीन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक मूव जो है सजेस्ट की है कंप्यूटर ने, उसे हम देखते हैं, दैट इज़ अ Bishop E1, कि भाई इसको बिशप से डिफेंड कर लो और फिर F5 की प्लानिंग करो। अभी यहाँ पर F5 इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये Nc4 वापस आके जो है E5 पर अटैक कर सकता है, और ये आइडिया की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम वाइट को हो सकती है। सो Bishop E1 मूव था जो कि सॉलिड था, थोड़ा सा डिफेंस करना था फिर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने रुक को जो है इस तरह से ले जा सकते हैं, बिशप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, D3 की तरफ ला सकते हैं। सो इस तरीके से इन्हें खेलना चाहिए था। चलिए गेम में क्या हुआ, Rook AC1, और अब चांस मिला लिंक को। आप देख सकते हैं कि A2 पर अटैक कर दिया इन्होंने, सॉरी डिंग को ले रहे, डिंग Qd3 खेला इन्होंने F5 के बाद, और अब फोर्स कर रहे हैं क्योंकि एंड गेम अगर आता है तो काफ़ी सारी वीकनेसेस यहाँ पर क्रिएट होंगी वाइट के लिए, और ये ब्लैक के लिए अच्छी बात है। सो Qe1 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है इनसे, इन्हें खेलना चाहिए था बिशप Qf4, और ये Bishop G5 का आइडिया जो है रोकना चाहिए था ताकि ये इस पर अटैक न कर पाए रुक पर, और पोजिशन सॉलिड बनी रहे, और F6 का जो है थ्रेट अभी हम यहाँ पर दे ही रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, जब इन्होंने Qd3 खेला था तो यहाँ पर ये A2 पॉन भी मार सकते थे, बट A2 पॉन मारने से क्या होता, वाइट को F6 मिल जाता, और पॉन टेक्स पॉन, देन e2f6, Bishop D6 और Nf5 के बाद काफ़ी ज़्यादा मौका वाइट को मिलने वाला है, और e6 पर भी कभी भी सेक्रीफाइस इस तरीके से आ सकता था नाइट का। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी थी ब्लैक को, और यहाँ पर अब वाइट को मौका मिल गया क्योंकि ये दो पीसेज जो है क्वीन साइड में है, किंग साइड के हेल्प करने के लिए शायद उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। सो ये एक चांस था, इसीलिए डिंग ने जो है कोई रिस्क नहीं लिया, और उन्होंने जो है F5 के बाद जो है Qd3 खेला, Qe1, Bishop G5, और अब आप देखिए कि ब्लैक को मौका मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से खेल रहे थे डिंग, और पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे थ्रू आउट द गेम, काफ़ी टाइम भी उन्होंने लिया, और अब ये पोजीशन थोड़ी सी ब्लैक के फेवर में जाती हुई दिख रही है क्योंकि बहुत सारी वीकनेसेस हैं वाइट की साइड में, थोड़ी सी भी गलती हुई तो ब्लैक जो है आसानी से सारे ही पॉन्स को कैप्चर कर लेगा। तो Rook C2, देन Rook C4, देखिए धीरे धीरे प्रेशर बना रहे हैं, कोई चांस नहीं दे रहे हैं वाइट को। H4 एडवांस तो कर रहे हैं पॉन्स को, बट ये खतरा भी है। सो Bishop F4, E5 पर अटैक किया हुआ है, और अब वाइट से पूछ रहे हैं कि आप चलेंगे क्या। सो यहाँ पर इन्होंने खेला है Qb1, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पॉन्स का मरना शुरू हो गया है। देन Rook into C3, Rook into C3, देन Qe3। यहाँ पर वाइट को एक चांस मिला था जो कि वाइट ने छोड़ दिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। F into E6, देन F into E6 नेचुरल मूव है, और बट ये ठीक नहीं है, इसी की वजह से वाइट को चांस मिला है। यहाँ पर इन्हें सॉलिड Bishop E6 खेलना चाहिए था और पोजिशन इनकी काफ़ी अच्छी रहती। क्यों वो चाल सही नहीं हुई वो भी देखते हैं। F into E6, देन Ne2 अटैक किया है दोनों जगह, एक और पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है, Qe5, Nf4, Qf4। यहाँ पर चांस था इनके पास Bishop C5 खेलने का, अगर ये Bishop C5 खेलते तो इस F5 के थ्रू थोड़ा सा प्रेशर बना सकते थे और इसकी वजह से इन्हें चांस मिल सकता था। जैसे कि एक सैम्पल वर्जन देखने के, Qg4 ये खेलते, Qc2 आइडिया है, Qc3 अटैक करने का G7 पर, और साथ ही साथ E5 स्क्वायर को कंट्रोल करने का है, तो E5 से क्वीन जो है फिर किंग साइड में किंग पर अटैक कर सकती है। सो Ne4 खेला इन्होंने, रोका उसे, देन Qf2, आप देख सकते हैं F8 से मैटी हो रही है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो मैटी हो जाएगी यहाँ पर, बट इससे भी ज़्यादा एक सॉलिड मूव थी Nf4 के बाद जो थी Bishop D6 की, बिशप को नहीं देना है। और अब आप देख सकते हैं कि हम क्वीन को ले जा रहे हैं अटैक करने के लिए, सो इन्हें रोकना पड़ता। देन Rook F2,
क्वीन डी फोर, देन रुक एफ टू, देन क्वीन सी थ्री, फिर एक्सचेंज करने के लिए आ गए, देन क्वीन ई टू, हमें एक्सचेंज नहीं करना है, साथ ही साथ ई फाइव को कवर करके रखना है, और ये सारे आइडियाज हम लगाते रहेंगे। ई सिक्स भी अब हमारे पास एक थिंग है जिसमें हम अटैक कर सकते हैं, तो क्वीन जी फोर, ई सिक्स पर हमने अटैक किया हुआ है और वेट कर रहे हैं कि भाई ये क्या करेगा। सो इन्होंने खेला रुक ई एट, रुक एफ थ्री, और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते थे बार बार क्वीन पर अटैक करने करके। ये ए टू को मार नहीं पा रहे हैं क्योंकि जी सेवन मरने के बाद किंग पर काफ़ी खतरा पैदा हो सकता था। सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था जो कि मिस कर दिया यहाँ पे गुकेश ने, और इन्होंने खेला क्वीन सी टू एंड क्वीन सी फोर, मौका मिल गया इन्हें एक्सचेंज करने का, क्वीन की एंट्री बंद हो गई है कुल मिला के, और अब ये आसानी से सारी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। क्वीन डी टू, देन कैसल्स, और किंग इनका एकदम सेफ हो गया। इसके पहले जो हमने वेरिएशन देखा था उसमें किंग सेंटर में था, जब किंग सेंटर में रहता है तो आपके पास चांस रहता है, पर्टिकुलरली जब आपके पास क्वीन है बोर्ड पर तो काफ़ी सारे चांसेस हैं आपके पास परपेचुअल चेक क्रिएट करने के। सो बिशप डी फोर लास्ट ट्राई कर रहे हैं, नाइट डी थ्री, ये नाइट इतना अच्छा है कि ये सारे स्क्वायर्स जो है क्वीन के जाने के इंपॉर्टेंट स्क्वायर है अंदर, सबको रोक रहा है। डी फोर पर अभी अटैक है तो आपको बचाने के लिए एक ही चाल चलनी है। अब आप देखिए कि ई फाइव स्क्वायर जहाँ पे क्वीन को जाना चाहिए वो स्टॉप किया हुआ है। सिंपल चेस के लिए रुक एफ वन, बिशप एफ वन, मर रहा है यहाँ पर डी थ्री, सो डी फोर, और आप देखिए कि सिमिलर सेम कलर बिशप एंडिंग आएगी अगर बिशप इंटू डी थ्री आप खेलते हैं, और वो पोजीशन क्लियरली विनिंग है यहाँ पर ब्लैक के लिए। इन्होंने बिशप इंटू ई फाइव खेला, क्वीन इंटू जी फोर, अब आप देखिए कि अटैक जो वाइट को करना चाहिए था ब्लैक को मौका मिल गया, बिशप एफ फाइव, बिशप ई फोर का आइडिया है, देन बिशप जी थ्री, बिशप ई फोर, जैसे ही पीसेज एक्सचेंज होंगे नाइट बहुत कमाल कर रहा है, सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर क्वीन को अपोनेंट की साइड में जाने के स्टॉप किए हुए है, और साथ ही साथ बार बार मैटिंग का थ्रेड भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सो किंग एच टू पहले से हटाया उसे, देन एच सिक्स अपनी बैक रैंक मैट प्रोबेबल कभी भी हो सकती है, सो उसे बचा लिया, देन बिशप एच थ्री, क्वीन डी वन, क्वीन एच वन से मैट होने वाली है यहाँ पर, सो बिशप डी सिक्स, देन क्वीन सी टू चेक, और फाइनली इन्होंने ए टू मार लिया। उसका रीज़न ये है कि ये बिशप जी टू का स्क्वायर छोड़ के नहीं जा सकता, क्वीन को अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, और अगर अंदर गई भी तो यहाँ पे कोई भी काउंटर प्ले वो जनरेट नहीं कर पा रही। सो बिशप ई सिक्स चेक दिया, किंग एच एट, और यहाँ पर जो है गुकेश ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने देखा कि कोई और चांस नहीं मिल रहा है, तो पहले गेम में थोड़ा मुश्किल हुआ, और स्कोर जो है किया है डिंग ने, और देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में अब गुकेश कैसे तैयारी करते हैं। तो ये फ्रेंच डिफेंस का बहुत ही अच्छा सॉलिड ओपनिंग उन्होंने चूज़ की है, और वाइट ने थोड़ा ओवर एग्रेसिव खेला, हालांकि चांस मिला था, अब देखते हैं कि नेक्स्ट गेम में कैसे खेलते हैं। तो ये कैसा लगा आप लोगों को ऐसे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।